महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, और ऐसे में आज अपना कांग्रेस की तरफ से जो नामांकन फॉर्म था, जो भीड़ थी, उसे लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है कि विधायक असलम शेख जी है। सर, सबसे पहले न्यूज में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? आज नामांकन फॉर्म यहाँ पर इतनी तादाद में लोग पहुँचे, जिस तरफ से और जिस तरीके से आप उत्साह देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का, तो मैं बना रहा हूँ, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पूरा कांग्रेस का संगठन एक हो गया। कांग्रेस का संगठन एक इसलिए हुआ है कि आज देश को बचाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि मुंबई शहर की छः सीट, 5 कांग्रेस की और 1 NCP, ये 6 की 6 सीट जो है इस बार जो है कांग्रेस पार्टी और NCP पार्टी। सर, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, खास करके अगर भीड़ की बात करें उत्तर पश्चिम की या नॉर्थ मुंबई की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आज तीनों लोगों का नामांकन था और चारों तरफ जो है कि कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रही थी, क्या इसका अंजाम आगे किस तरीके का? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यकर्ता का उत्साह है, यही उत्साह लोगों के दिलों में है। आप भारतीय जनता पार्टी का आज जो मैनिफेस्टो आया वो देखिए, वो 370 जो पिछली बार कहा था उन्होंने आज वही कहा है। और राम मंदिर का मसला पहले 5 लाइन में आता था, आज 2 लाइन में आया है, और 5 साल के बाद में खाली राम मंदिर करके रह जाएगा। देश समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो है देश को मूर्ख बनाने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है, गरीब को गरीब करने का काम किया है, और अमीर जो थे वो जो इस देश को लूट रहे थे उसको देश से बाहर भगाने का काम किया है, और नफरत फैलाने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है। सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं, सब ये चाहते हैं कि भाई वो उनका विकास वो अपने घर में ले जाए, और जैसा भारत देश पहले चलता था वैसा चलना चाहिए। हमारे साथ असलम शेख जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास को अपने घर लेकर के जाए और लोगों के लिए एक नई उम्मीद है। आने वाले समय में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी चढ़ रही है और चुनाव के बाद ही परिणाम सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कवटकर के साथ मुरारी सिंह, NM न्यूज, मुंबई। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए NM न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।